चित्रागाय नमो विग्रहाय नमो अरिहंतानं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो सिद्धानं नमो आयरधियानं नमो आयरधियानं नमो भस्यायानं नमो भस्यायानं नमो लोये सब साहुनम नमो लोये सब साहुनम ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो सब पाप प्रणासनो सब पाप प्रणासनो मंगलानंच सब्बे सिं मंगलानंच सब्बे सिं परमं हवे मंगलम परमं हवे मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ जगत भर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के सत पुरुषों का योगबल जगत भर के सत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो 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 हे श्री पद्मावती माँ हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सब महात्माओं को हम सब महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो
प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके, हम आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि, प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को, इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो। ऐसी स्यादवाद वाणी, ऐसी स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन, स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने की, और स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति दो, परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हर जीव की एक खोज होती है बचपन से लेके आज तक, हर जीव की एक खोज होती है कि सुख प्राप्त करने के लिए, सुख पाने के लिए प्रयास करो। हर जीव, भले लोगों की पद्धति अलग है, मेथड अलग है, मान्यता अलग है, साधन अलग है, संजोग अलग है, सोच अलग है, मगर कॉमन फैक्टर है हाउ टू रियलाइज हैप्पीनेस। ये कॉमन है सबके लिए। सबको क्या चाहिए? हैप्पीनेस। सबको, किसी को दुख नहीं चाहिए। मगर कोई भी उम्र के व्यक्ति को समाज में प्रश्न करेंगे, चाहे वो 30 साल की है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कोई भी व्यक्ति है, इनको पूछोगे नाउ यू आर हैप्पी, तो उत्तर क्या मिलेगा? हम प्रश्न करेंगे एक 90 साल की व्यक्ति को, एग्जाम के तौर पर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा अनुभव पास कर दिया है, इसको प्रश्न करेंगे, आपने बचपन में खेला था? बोला हमने खेला था। पढ़ाई किया था? बोला एजुकेशन भी अच्छा लिया था। बिजनेस या जॉब किया था? वो भी किया था। बहुत अच्छे पैसे कमाए थे? पैसे भी कमाए थे। शादी किया था? शादी भी किया था। बच्चे थे? बोला बच्चे भी थे। इसको बड़ा किया था, पढ़ाया, शादी करवाया, वो भी करवाया, बच्चे को बच्चा भी हमने खेला, घर परिवार बंगला मोटर गाड़ी सब था? बोला सब था। आप धार्मिक और घूमने की जगह गए थे? तो के धर्म के स्थान पे भी गए थे, घूमने की जगह पे गए थे, शादी में, मृत्यु में, मादगी में और फेस्टिवल में गए थे, बर्थडे पार्टी वगैरह में, तो बोला वहां भी गए थे। तो इतना सारा पास करने के बाद खाना पीना कपड़ा लगता सब कुछ आपने भुगतान किया, फिर सुख क्यों नहीं मिला? बताइए। नहीं, मैं सबकी बात करता हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वन पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल सोसाइटी इन एनी एज। इट इज नॉट मैटर ऑफ एनी वन और टू पर्सन और सम ऑफ देम। संतुष्टि नहीं, मैं सबकी बात करता हूँ। मेरा प्रश्न एक ही है, सब लोग सुख प्राप्त करने का एक ही एंगल रखते जीना जी रहे हैं। इट इज ओके, okay. Why they are not success is in any age? That is my question for all, not for some of them or one, two, three. Number one, कि सबसे पहले वो सुख की खोज में ही जड़े हर समय। सुख को उन्होंने अपने खोज के अंदर ये नहीं माना कि ये सही है या गलत है, जो मैं कर रहा हूँ जिंदगी में स्टार्ट से लेके एंड तक। मगर उसके पास ऑप्शन नहीं तो सही गलत कैसे कहेंगे? When your option one and more, then decide कि ये करूँ या ये न करूँ। उनके पास ऑप्शन क्या है? नहीं, पढ़ने में सुख है, खेलने में सुख है, खाने में सुख है, कपड़े में सुख है, पैसे में सुख है, शादी करने में सुख है, बच्चे करने में सुख है, घूमने में सुख है, गाड़ी में सुख है, बंगला में सुख है, ये माना था और वो मिला भी, फिर भी सुख नहीं मिला। तो व्हाट इज द अनदर ऑप्शन दे हैव?
वो उस समय उनकी यही खोज में रहा, मैं इसे भी आगे और सुख की प्राप्ति। हाँ, पर मैंने मतलब 90 साल की बात करता हूँ, अभी ऊपर जाने के बाद खोजेंगे। मेरा प्रश्न कॉमन है, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एनी एज। कोई सफल नहीं होता है, प्रश्न मेरा ये है वह हम कोई व्यक्ति सफल हो गए तो उसका एग्जाम्पल लेंगे, पर मैं कहता हूं कि आपने कोई देखा है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में सुखी हो गए? सुख का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति जो कुछ पाना चाहते हैं अगर वो पा लिया फिर प्रयास नहीं होता है, और प्रयास चालू है मतलब पाया नहीं है। दो बातें नहीं कर सकते, प्रयास भी चालू है पाया भी है। दिस इज रॉन्ग बिलीफ। प्रयास भी चालू है और सुख पाया भी है, तो रॉन्ग बिलीफ है। पाया नहीं है इसलिए प्रयास है कि पाया है इसलिए प्रयास है? आप समझे? यस, बहुत बड़ी बात है। मेरे को मकान लेना था, मैंने मकान ले लिया, अभी लेने के बाद कल से मैं मकान ढूंढूंगा कि बंद कर दूंगा? बंद रखूंगा। मेरे को ग्रेजुएट होना था, मैं ग्रेजुएट होगा अभी पढ़ूंगा क्योंकि होना था वो हो गया। तो अगर मेरे को सुख पाना था मिल गया फिर प्रयास चालू रहेगा? नहीं। मगर नहीं मिला है तभी तो प्रयास है। ये हम स्वामी जी आपके अंदर में ये हम देख रहे हैं प्रकट कि आपने जो पिछले सब कुछ कर दिया, अब आपके आगे कोई प्रयास ही नहीं है कोई तरह की प्राप्ति की, हम सम्मुख देख रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, सुख जो आपने प्राप्त किया है, मेरा प्रश्न ये है कि आखिर इतने सारे सृष्टि के लोग हमारे सामने सुख पाने के लिए एक ही डायरेक्शन में प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट अलग हो सकता है, व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, साधन अलग हो सकता है, प्राप्ति अलग हो सकती है, मगर डिमांड तो एक ही है, सुख पाना है। ठीक है, फिर भी सब असफल रहते हैं। इसका राज क्या है वो आपको प्रश्न करता हूँ। Why all are fail in any age? Everyone they are effort, प्रयास तो करते हैं, सब असफल रहते, कारण क्या है? अगर कोई स्कूल होती है, कॉलेज होती है, मैं एग्जांपल देता हूं, कोई स्कूल और कॉलेज के अंदर अगर रिजल्ट आता है जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं सब फेल होते हैं, तो आप या आपके परिवार के कोई व्यक्ति को वहां आप एडमिशन लेने के लिए कहोगे? समाज में क्या होता है? और आप फेल हो गए, आप आपके बच्चे को ये सिखाते हो इससे सुख मिलेगा? बात यही है, आपने पैसा पाया सुख के लिए, फेल हुए सुख तो नहीं मिला, पैसा मिला सुख नहीं मिला। बच्चे को ये सिखाओगे हाउ टू मेक मनी, आपने पढ़ा है सुख नहीं प्राप्त किया, बच्चे को ये सिखाओगे कि पढ़ना पड़ेगा? आपको मालूम है कि शादी करने से मेरे को सुख नहीं मिला है, व्यवहार चला, बच्चे को यह कहोगे शादी करना पड़ेगा? क्यों? आप कहो ना, मैं तो बताऊंगा आपको। अनुभव के बाद भी आपको यही कहना, यही सिखाते हैं कि आप भी अनुभव करो फेल हो, सेम प्रोसेस जनरेशन टू जनरेशन, ये तो परंपरा से चलता आ रहा है। मगर क्यों? अनुभव क्या कहता है? जो रास्ते पर हम गिर गए उस रास्ते पर चलने के लिए किसी को कहेंगे? मगर हमको मालूम होता है कि हम जिस रास्ते पर असफल नहीं हुए वो असफल नहीं हुए ऐसा हम स्वीकार नहीं करते हैं, और इसीलिए बच्चे को कहते हैं तुम भी इस रास्ते पर आओ। मगर जब कोई प्रश्न करेंगे आपको क्या आप जीवन में आपने सुख पाया इस रास्ते से, बड़ा नहीं अभी तो प्रयास ही कर रहे, तो बच्चे को ये क्यों सिखाया आपने? यही तो बात है, और रॉन्ग भ्रांति से पूरा संसार चलता है, अज्ञानता से पूरा संसार चलता है, सच्चाई तो है नहीं। बात यही की रही है ना, हमको सच्चाई को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। बहुत अच्छा समझे। कोई कहता है पैसे सुख है,
हम पैसे वाले के पास जाएंगे, किसका कितना पैसा है 500 करोड़, आप सुखी है क्या? बोलते हो नींद नहीं आती है रात को, एयर कंडीशन में नहीं समझ में आया क्यों? क्योंकि जब तक अपनी खुद की गलतियों को नहीं देखेंगे। नहीं मगर पैसे से खाया, बिलीव थी और पैसा मिला, फिर मतलब नहीं स्वीकार करते हो? नहीं है वो स्वीकार करते हो? पढ़ाई करते हैं, नहीं पढ़ाई करेंगे तो बोला क्या होगा, जेब में तरक्की नहीं होगी, ठीक है पढ़ाई करके आप सुखी होंगे कहेंगे, ठीक है आप खुद कहेंगे कि मैं तो मास्टर किया है, मैंने तो पीएचडी किया है, शुड आई नॉट हैप्पी? बच्चों को क्या सिखाऊंगे? यही ना कि पढ़ना चाहिए सुखी होने के लिए विदाउट योर एक्सपीरियंस, या सब लोग तो दुनिया अनुभव से चलती है या अज्ञान से चलती है? सुख तो आत्मा में ही रहा, फिर छोड़ दो, हमको कॉज चाहिए, रीजन चाहिए, रेडीमेड आंसर नहीं चाहिए, रीजन चाहिए। जहां सुख मानते हो, दुनिया की कोई चीज के बात कर, एक्स वाई जेड ए टू जेड कोई भी चीज, आप 5 चीजों का मेरे को एग्जांपल दे दो जो 5 इंद्रियों से भुगतान करते हैं, कान आंख नाक जीभ और स्पर्श, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की कोई भी चीज का अनुभव होता है, बराबर है? तो 5 इंद्रियों के बिना अनुभव होता नहीं है, तो उसमें से मेरे को 2 चीज बता दो जिस चीज का स्वभाव सुख देना है। कान का नहीं। मेरा प्रश्न क्या है अभी दूसरी बार सुनो, 5 इंद्रियों से जो भुगतान करते हो, दाखला देके जीभ से खाना खाते हो तब इसमें सुख मानते हो, शरीर से कपड़ा पहनते हो तो सुख मानते हो, मैं इंद्रियों की बात नहीं करता हूँ, इंद्रियों से भुगतान करते वो चीजों की बात करता हूँ। प्रश्नों को पहले समझो, थिंक अबाउट द क्वेश्चन देन यू रिप्लाई मी, प्रश्न को तो समझो। ये 5 इंद्रियों से जो जो चीजों की भुगतान करते पूरी लाइफ में, उसमें से 2 चीज का एग्जाम्पल दे दो जिस चीज का स्वभाव सुख देना है। स्वभाव, क्वेश्चन समझ में आया? बस अभी उत्तर दे दो। हजारों लाखों चीजों में से मैंने सिर्फ 2 का नाम बताने का कहा, क्या बताया? कि इस चीज का स्वभाव सुख देना है। हम तो मानते हैं हजारों लाखों चीजों में सुख मिलता है, उसमें से 2 चीज का मेरे को नाम बता दो कि ये चीज का स्वभाव सुख देना है, क्योंकि हमको तो इसी से पाना है, बराबर में? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आया प्रश्न? उत्तर क्या है? नहीं है। एक दो क्या? पांचों में जो भुगतान करता है सुख नहीं है उसमें। और जीते हैं उसमें सुख प्राप्त करने के लिए। जो सुख दिखता है वो सुख है नहीं, आईने में चेहरा दिखता है। मेरा कहने का मतलब ये है 5 इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी भुगतान करते हैं इसमें सुख है नहीं ऐसा मानता भी हूँ और उसी चीज को पाने के लिए प्रयास करता हूँ ताकि उसमें से सुख मिले। 2 बात तो नहीं हो सकती ना। अगर इसमें सुख नहीं है ऐसा अगर मैं मानता हूँ तो प्रयास करूंगा। देखो प्रयास भी है मानता भी नहीं, दोनों बात तो नहीं हो सकती है। देयर इज सम कंफ्यूजन। मैं कहूंगा इसमें सुख नहीं है तो मैं प्रयास करूंगा, मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा अलग चीज है, मगर मैं प्रयास तो नहीं करूंगा ना जब मेरे को पाना क्या है सुख, और मेरे को मालूम क्या है कि इसमें सुख है, तो प्रयास करूंगा। कोई व्यक्ति कहता है कि अगर मैं खड्डे में गिर जाऊंगा तो मेरे को सुख नहीं मिलेगा,
तो फिर वो जान बुझ के खड्डे में पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और पड़ता है तो ज्ञान नहीं, वो कबूल हो गए, तो दो बातें नहीं हो सकती है, ज्ञान भी है और खड्डे में पड़ते, वो बात सही। आप समझे उत्तर क्या है? रिप्लाई, वेरी सिंपल एंड कॉमन क्वेश्चन, इज नॉट रिक्वायर्ड द स्क्रिप्चर ज्ञान, राइट और रॉन्ग। मेरा एक भी प्रश्न किताबों के ज्ञान के ऊपर आधारित नहीं होगा, और मैं किताबों की बात भी नहीं करता हूं। मेरी हर बातें बिल्कुल हमारे जीवन के साथ प्रैक्टिकल जुड़ी हुई होगी, इसीलिए आउट ऑफ कोर्स नहीं होगी बात, इसीलिए मालूम नहीं है, समझ में नहीं है, वो तो प्रश्न आएगा ही नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिकल होगी, जो जीवन के साथ जुड़ी हुई है, वो किताबों के साथ जुड़ी हुई नहीं है। नहीं, मान के बैठे हैं, सुख है नहीं किसी में, मान के बैठे हैं, सुख है नहीं, मान के बैठे हैं, बराबर है, हम सुख है नहीं मान के बैठे हैं, प्रयास भी तो करते हैं। दो बातें नहीं हो सकती, प्रयास भी करता हूँ मानता भी हूँ, ये दो बातें कैसे हो सकती है? अगर आज मेरे पास टू व्हीलर है, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, तो आई एम हैप्पी विद दैट, लेकिन जब मैं टू व्हीलर चलाती हूँ तो मुझे सामने की फोर व्हीलर ज्यादा अच्छी लगती है, मेरी हैप्पीनेस चेंज हो जाती है उस फोर व्हीलर के डायरेक्शन में। जब मेरा फोर व्हीलर आता है तो मुझे एक बड़ी लग्जरी कार चाहिए होती है, मेरा फिर एक सेटिस्फेक्शन लेवल डाइवर्स हो जाता है उसी हैप्पीनेस के एक अगले चैप्टर में, इट गोज एंड गोज एंड गोज ऑन, तब तक जब तक हम उसका एक्सपीरियंस कम्प्लीट नहीं करते, और एक्सपीरियंस तब तक कम्प्लीट नहीं कर सकते जब तक हम मर नहीं जाते, तो जब तक जरूरत है एक्सपीरियंस के साथ हमारी हैप्पीनेस उस डायरेक्शन में चेंज होती चली जाती है, और मरने के बाद हैप्पीनेस मिल जाती है। मैं टिल द टाइम वी आर लाइफ, मैं तब तक के लिए बता रही हूँ, एक्सपीरियंस के साथ वो हैप्पीनेस की डेफिनेशन शायद बाय द एज, बाय द टाइम, बाय द एक्सपीरियंस चेंज होती रहती है। दिस इज व्हाट हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू मी डिफाइंस। नो, इट्स ओके, एवरीवन दे हैव एक्सप्लेन्ड एज पर हिज व्यू पॉइंट, देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल, इट इज अ ओपन डिस्कशन, there is no if and but, everyone they were right to present his view, it is okay, but hum yahan conclusion nikal ke fact janne ke liye baithe hain, friction to hai magar friction mein koi maloom hai, hum explain kar rahe hain magar bahut sare if and but hai, kyunki aap jis prakar se bol rahe hain uttar de rahe hain humko maloom hai kya aap bolne mein kitni dikkat hoti hai, kyunki aapko maloom hai ye jo main bol raha hu wo sahi nahi hai, aur isliye main baar baar jab jab मेरा क्वेश्चन दोहराऊंगा तब मालूम होगा इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट, सिर्फ क्वेश्चन ही दोहराऊंगा तो भी। मैंने यही कहा था प्रश्न में कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज है, दो एग्जांपल दो जिनका स्वभाव सुख देना है, मैंने बिलीव के बारे में प्रश्न नहीं किया था, मैंने क्या नहीं किया था, आपकी बिलीव क्या है वो मैंने प्रश्न नहीं किया था, मैंने कहा था चीजों का स्वभाव, वो कहा था मैं राइट और रॉन्ग, और आपका उत्तर क्या है? अभी और उत्तर देंगे तो फिर ये प्रश्न दोहराऊंगा, आपको मालूम होगा आई एम नॉट करेक्ट, आई गिव यू द आंसर, स्टिल इट इज नॉट करेक्ट, एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट डिफिकल्ट बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद आवर प्रैक्टिकल लाइफ। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूं जिसके साथ आप जुड़े हुए नहीं हो, सिंपल बात भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि आज दुनिया में ये बात करने वाला कोई है ही नहीं, हर व्यक्ति मोह के आवरण को लगा के आपको आगे ले जाता है, इसमें सुख है दौड़ो, इसमें सुख है दौड़ो, इसमें सुख है दौड़ो, वो दुर्भाग्य है। आप समझे, हमारी बिलीफ है कि टू व्हीलर में सुख है, हमने बिलीव चेंज करी कि फोर व्हीलर में सुख है, हमने बिलीव चेंज करी कि लग्जरी में सुख है, हमने बिलीव चेंज करी कि प्लेन में सुख है, वो तो हमारी बात है। मैं ये कहता हूं टू व्हीलर, फोर व्हीलर, लग्जरी और प्लेन का
का स्वभाव सुख देना है, दैट इज माय क्वेश्चन. माय क्वेश्चन इज नॉट डिपेंड ऑन योर बिलीफ. आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ द थिंग्स. वट एवर योर बिलीफ, कभी उसमें सुख मिलता है क्या? उसका स्वभाव है साधन का स्वभाव है. अगर अगर शुगर आती है, शुगर मैं शुगर के एक एक पीस को सबको दे दूं और सब मुंह में रखेंगे, मैं कहूंगा व्हाट इज द टेस्ट, आप सब क्या कहोगे? बिकॉज योर बिलीफ और बिकॉज ऑफ नेचर. दैट्स इट. So I want to need this answer. मेरा प्रश्न ये है, आपका सबका उत्तर एक ही था, क्या मिठास मिली मेरे को, स्वीट मिली? क्योंकि उसका स्वभाव था, मेरे बिलीफ नहीं थे. तो दुनिया में ऐसी कोई चीज है जिनका स्वभाव सुख देना है? बिलीफ की बात नहीं है, नहीं है तो नहीं है तो कैसे मिलेगा? अगर उनका स्वभाव सुख देना नहीं है और आप कहता है मेरे को मिल गया, यही तो भ्रांति है. यही तो भ्रांति, यही भ्रांति को मिटा रहा है. इट इज अ फैक्ट. दुनिया की कोई भी चीज व्यवहार चलाने का साधन है उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, मगर सुख का साधन है वो. और हमको चाहिए क्या? Right. फिर मिलेगा? नहीं. राइट और रॉन्ग? सुख एक अनुभूति है सर, सुख एक अनुभूति है. नहीं है, नहीं अनुभूति. मैं क्या कहता हूं कि सुख एक अनुभूति है वो आप बताते हैं, पर वास्तव में हैप्पीनेस है कि नहीं? अगर है ही नहीं तो लोग क्यों ढूंढते हैं? हजारों करोड़ों अब्दुल ढूंढते हैं, सब पागल साधु संत भी ढूंढते हैं परम सुख, बोलते हैं ना. अगर है ही नहीं, हर व्यक्ति क्यों प्रयास करते? आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल, नॉट सम ऑफ देम. संसारी भी करते, त्यागी भी करते, परम सुख की अनुभूति के लिए प्रयास करते. हम सुख की बोलते हैं, वो परम सुख बोलते हैं. प्रयास तो हर व्यक्ति करते हैं ना. अगर है ही नहीं तो फिर क्यों करते हैं? धीरे धीरे बताता हूं, एकदम नहीं. सुख तो है, क्षणिक है, सुख है, अनुभूति है, क्षणिक है. एक आदमी को प्यास लगी है और पानी मिलेगा उसको, तब उसकी संतुष्टि होगी. प्यास अनुभूति है. प्यास बुझना एक अलग चीज है और सुख मिलना एक अलग. थका हुआ आदमी सो गया तो क्या वो सुखी हो गया? भूखे व्यक्ति को खाना मिल गया, सुख हो गया, वो संतुष्ट हो गया, उनकी भूख संतुष्ट हो. मैं एक्सेप्ट करता हूँ किसी व्यक्ति को कपड़ा नहीं है, अपने कपड़ा पहना दिया तो शरीर का अंग ढांक दिया, वो सुखी हो गया. सुख अलग चीज है, रिक्वायर जरूरत नेसेसिटी अलग चीज है. नेसेसिटी को सुख मत मानो. जैसे मैं श्वास लेता हूं क्या उसको सुख मानूंगा? मानूंगा, अगर नहीं लूंगा तो बन मर जाऊंगा. हाँ या ना? मगर मैं लेता हूं तो सुख मानूंगा? नेसेसिटी. इट इज नॉट हैप्पीनेस, इट इज अ बट नेचुरल प्रोसेस विदाउट योर एफर्ट. अगर श्वास हम लेते हैं रात को सोने के बाद, कौन लेगा? सोने के बाद कौन लेगा? तो फिर हम कहते हैं हम श्वास लेते हैं, हम तो सो गए. ये तो मैकेनिकल अभी बोलते हैं ना. दिन में क्या बोलते हैं? मैं श्वास लेता हूं. और रात को बोलता है मैकेनिकल. तो रात को मैकेनिकल, दिन में तुम लेते हैं. ऐसा दो पार्ट है. प्रिंसिपल एक होता है कि अलग अलग होता है? बस तो फिर भ्रांति से क्या मतलब? हजारों प्रकार की भ्रांति से क्या मतलब है? हमको तो सनातन सत्य फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ है जानना है. इल्यूजन तो है, इसमें से निकलना है. इल्यूजन को पक्का नहीं करना है, इल्यूजन में से बाहर निकलना है, अज्ञान से बाहर निकलना है.
और सनातन सत्य को समझ के अपनी दृष्टि को पक्की करना। बिल्कुल सत्य है यही। साहब ने बोला कि दुनिया में क्षणिक सुख, क्षणिक सुख क्या बताया? क्षणिक सुख है। वो उत्तर तो दिया उन्होंने, मगर मैं कहूंगा कि क्षणिक सुख भी डिपेंड ऑन योर बिलीफ और नेचर ऑफ द थिंग्स। तो आपका उत्तर क्या है? बिलीफ है कि वस्तु का स्वभाव है, रिक्वायरमेंट है, तब है। अगर पेट भरा हुआ खाना कौन खाएगा सर? मैं रिक्वायरमेंट की बात नहीं करता हूँ। मैंने पहले भी कहा नेसेसिटी अलग चीज है, हैप्पीनेस अलग चीज। तो मेरे को जो चीज में आज मैं अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, मेरे को आनंद होता है, ठीक है? तो आनंद होता है एक घंटे के लिए होता है, दस घंटे के लिए होता है, पांच दिन के लिए होता है, कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ। मगर वो क्षणिक सुख भी मेरी बिलीफ के ऊपर डिपेंड है कि नेचर ऑफ द क्लोथ्स रिक्वायरमेंट पे है। ये रिक्वायरमेंट अगर है, ऐसे आदमी को पानी मिलेगा, क्षणिक सुख मिलेगा उसको और संतुष्टि हो जाएगी उसकी। क्षणिक सुख भी बिलीफ के ऊपर डिपेंड है, रिक्वायरमेंट है उसकी, नेसेसिटी है, बिलीफ भी है। कैसे नहीं है पानी मिलेगा, यूज नहीं उसका, बिलीफ है मिला। वही तो मैंने कहा है, नेसेसिटी का कोई नेसेसिटी, हाँ। वो सुख दुख की बात नहीं है, वो तो जीवन जीने का साधन है। जैसे मैं श्वास लेता हूँ तो सुख की बात है, नेसेसिटी। मैं पानी पीता हूँ, सुख की बात है, नेसेसिटी। मैं फूड खाता हूँ, सुख की बात है, नेसेसिटी। मगर मेरी चॉइस है, ये खाने से आनंद आता है तो वो मेरे लिए है, मगर खाना वो नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। It is a requirement to survive in this world. वो चॉइस नहीं है। मैं हवा बिना जी सकता हूँ, पानी बिना जी सकता हूँ, फूड के बिना जी सकता हूँ, तो necessity होगी। तो यहाँ happiness की बात नहीं है। अगर ये नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। यहाँ सुख दुख की बात, यहाँ जीवन जीने की बात है। क्या है? जीने की। टू सर्वाइव यू हैव टू डू, नॉट फॉर हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। मेरा प्रश्न क्या है, हम जीवन से, बचपन से समझदारी होने के बाद हर चीज में सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और जीवन का अंत भी क्या होता है, सुख की प्राप्ति, मगर होता है नहीं। अंत तक वह, क्योंकि दुनिया की कोई भी साधन के अंदर, संजोगों के अंदर, संबंधों के अंदर, सत्ता के अंदर सुख देने का स्वभाव ही नहीं, सिर्फ ओनली योर बिलीफ। 1% भी नेचर नहीं है। कितना? 1% नेचर नहीं है, मेरी बिलीफ है। हाँ। तो लगेगा, बिलीफ नहीं है तो नहीं लगेगा। 1% भी लगेगा, 1% भी लगता है बिकॉज ऑफ माय बिलीफ। या सुनो, आपको ये कपड़ा पसंद है, आपको आनंद आता है, कपड़े के अंदर 1% भी नेचर है फिर इसका? नहीं। अगर होगा इनको पहनाओ तो 1% मिलना चाहिए, गिव द नेचर ऑफ द क्लोथ्स, मगर ऐसा नहीं। आपको हैप्पीनेस फील होती बिकॉज ऑफ योर बिलीफ बट नॉट नेचर, बट नॉट में साधनों का स्वभाव सुख देने वाला है कि नहीं, दैट इज माय क्वेश्चन। 1% से 100% की बात करता हूँ, इनका स्वभाव है, मेरी बिलीफ छोड़ दो। भिखारी को 5 रुपया दिया, इनको हैप्पीनेस लगेगा, और BMW वाले को 5 रुपया दोगे पेंशन लगेगा। वह देने वाला मैं हूं और 5 रुपया तो 5 रुपया ही है, है कि नहीं? मगर बिलीफ क्या है? समझ में आया? तो हमको ये जानना है वास्तव में वेयर इज द रियल परमानेंट हैप्पीनेस, रियल एंड परमानेंट, ये हमको जानना है। ये नहीं जानोगे तब तो हर चीज, हर व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर में भटकती रहती है, कहीं अवतारों से। हमने भी अपने परिवार में देखा, समाज में देखा, हर व्यक्ति पैदा होती है, जीवन जीती है, मर जाती है,
बाद में कहते हैं आखिर उन्होंने क्या पाया। हम अपने लिए सोचेंगे हमने क्या पाया, वो तो सोचते ही नहीं है आखिर हमने क्या पाया। बताइए पैदा होते ही अभी तक हमने पाया क्या? कुछ। और जो पाया है वो तो छोड़ना है। यस और नो? यस। कि कैलिफोर्निया नेक्स्ट पर, तो जो कैलिफोर्निया होता है इसको पाया बोलेंगे? जिसके हम मालिक नहीं है इसको पाया बोलेंगे? तो दुनिया का कानून समझो, नेचर ऑफ द वर्ल्ड, लॉ ऑफ नेचर सेज नोबडी इज ओनर इन दिस वर्ल्ड ऑफ एनीथिंग। ये दुनिया की कोई भी चीज के इंक्लूडिंग योर बॉडी इसके आप मालिक नहीं हो सकते हैं। ओनली यूजर, ओनली यूजर। मगर बन गए हम क्या? मालिक। और उसका मार खाते हैं, है नहीं? मगर हो तो गए। रिजर्व बैंक जो है वो नोट बनाती है, प्रिंट करती है, हजारों लाखों लोगों के हाथ में से घूम के मेरे पास आई। जैसे मेरे पास आई सिक्का लगा दिया, आई एम ओनर। इट इज ट्रू? इट इज ट्रू? कल प्रीवियस डे दूसरे के पास थी, टुमारो दूसरे के पास चली जाएगी। हम ओनर हो सकते हैं? वी आर ओनली यूजर टेम्पररी, यस, बट नॉट ओनर। ये शरीर बना है पंचभूतों से, पृथ्वी पानी वायु अग्नि और आकाश, ये पंचभूतों से शरीर बना है, ठीक है? ये पंचभूत किसके हैं? हमारे हैं, कुदरत के हैं। एक दिन इसको खाक होके पंचभूत में वो मिल जाएगा। तो क्या शरीर हमारा है कि वी आर ओनली यूजर? के ओनर यूजर। ये मकान में रहते हैं, ये मकान का रूम मटेरियल किसका है? कुदरत। अगर कुदरत का नहीं होता है तो कोई मकान बना सकते हैं? बिना रॉ मटेरियल, बिना रॉ मटेरियल सीमेंट बन सकती है? नहीं। लोखंड बन सकता है? रॉ मटेरियल किसका है? रॉ मटेरियल किसका है? कुदरत को पैसा दिया? नहीं। तो मालिक कौन है? कुदरत है। और बाद में टूट फूट के 100 साल 200 साल के पास भी किसके पास चला जाएगा? कुदरत के पास। पहले किसके पास था और बाद में? तो ओनर कौन है? कुदरत तो है ना, और हम बन जाते हैं, किसी का मार खाते हैं। ये क्यों हो जाता है? अज्ञान का। तो कोड बने 2 साल मेहनत करी है भाई, मैं तो लड़े हैं। बात तो एक दिन समझनी पड़ेगी ना। उत्तर इम्पोर्टेंट नहीं है, आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है प्रोसेस। हम किताब पढ़ पढ़ के आए हैं ना, वो रेडीमेड आंसर है, और इसीलिए जीवन में हम प्रैक्टिकल में फेल होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट क्रिएट द नॉलेज थ्रू द प्रैक्टिस। नॉलेज हम रेडीमेड ग्रहण करते हैं, और इसीलिए फिर ये डॉक्टर है, चार्टर अकाउंटेंट है, लॉयर है, इंजीनियर है, सब क्या करते हैं? प्रैक्टिस, नॉट प्रैक्टिकल। नहीं समझ में आया? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस है सर। और पैसा किसका लेता है? नो गारंटी। नहीं समझ में आया? प्रैक्टिस, सक्सेस और नॉट, नो गारंटी, बट इट गिव मी अ मनी ऑफ प्रैक्टिस, मे बी सक्सेस और मैं इलाज करूंगा डॉक्टर होके करूंगा। प्रैक्टिस का पैसा देना पड़ेगा? आप कहते डॉक्टर साहब आपने दवा दिया 15 दिन कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, चेक कर लूंगा, बट गिव मी योर मनी फॉर प्रैक्टिस, नो गारंटी, यस और नो? यस। दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। ये मूर्खों से ही दुनिया चलती है, जिसमें मूर्खामी निकल जाती है इस दुनिया से
मोक्ष में चले जाते हैं, वो यहां रहेंगे नहीं। मूर्ख का मतलब होता है अज्ञान, मूर्ख शब्द जरा गलत है, अच्छा नहीं लगता है, मगर अज्ञान। ये दुनिया अज्ञानों से भरा हुआ है और जिसमें से अज्ञान निकल गया इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं, अज्ञान नहीं तो आपको रहने का अधिकार नहीं है, और अज्ञान है तो दुनिया को छोड़ने का भी अधिकार नहीं है। यू हैव टू स्टे हियर, आप समझे। अज्ञानता के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते, अज्ञान को मिटा के ही आगे बढ़ सकते हैं, आप समझे। तो हम ये जानते नहीं है, मैंने कहा ना उत्तर दे दू, नो वैल्यू, उत्तर की कीमत नहीं है, प्रोसेस की कीमत है। किसी कीमत है? प्रोसेस की। कहां कहां मैंने सुख माना था वो ढूंढो, वहां वहां स्वीकार करो, यहां मेरा अज्ञान था। पैसे में सुख, ये मेरा अज्ञान था। कपड़े में सुख, मेरा अज्ञान था। खाने में सुख, मेरा अज्ञान था। देखने में सुख, मेरा अज्ञान था। स्मेल लेने में सुख, मेरा अज्ञान था। सुनने में सुख, मेरा अज्ञान था। स्पर्श करने में सुख, मेरा अज्ञान था। ये साधन संपत्ति को प्राप्त करने का सुख, ये मेरा अज्ञान था। हर अज्ञान तो अज्ञान के रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये नॉलेज नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। हर चीज में इस तरह से स्वामी जी, हर चीज में इसी तरह से हमको मतलब हर एक एक का अनुसंधान करके सोचना होगा कि ये अज्ञान है। प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल, किताब पढ़ के नहीं, लिसन केयरफुली, ये किताब पढ़ो। अच्छा, इनको खाने में आनंद आया, तुरंत ज्ञान का उपयोग करो। या खाने में सुख देने का स्वभाव है कि मात्र मेरी बिलीफ है, बिलीफ है तो मतलब बिलीफ को निकाल दो, खाना खाओ, मगर सुख है वो बिलीफ नहीं। पैसा में सुख है, मेरा अज्ञान है। पैसा प्राप्त करो, पैसा व्यवहार करने का साधन है, सुख है बिलीफ निकाल दो। अच्छा, हर चीज को करते रहो मगर बिलीफ को निकाल दो। प्रैक्टिकल यही तो बात करता हूँ। खाने में सुख है, कपड़े में सुख है, सोने में सुख है, जागने में सुख है, काम करने में सुख है, ये सब मान्यता है, सुख नहीं है। व्यवहार चलाने का साधन है। क्या है? व्यवहार चलाने का साधन है, और कुछ नहीं। आपको जीना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि आप वो इस प्रकार के कर्म लेके आए और बाद में सब कुछ छोड़ के जाना है, यही कुदरत का कानून है। ये तो फसावट हो गई इंसान, तो कितने अवतार से वही तो है। और हमको धर्म गुरु पाप और पुण्य के चक्कर में डाल देते, इससे बाहर निकलना आसान नहीं है। पर पाप पुण्य दोनों का जड़ क्या है? अज्ञान। अज्ञान अगर सनातन सत्य समझ में आया तो वहां पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है। अज्ञानता है तो पाप भी है और राम लाखों लोगों के हिंसा करे रावण के साथ युद्ध करते समय एक भी पाप नहीं, वही अवतार में मोक्ष। महावीर भगवान ज्ञान देकर हजारों लोगों को केवल ज्ञान प्राप्त करवाए, पुण्य नहीं, वही अवतार में मोक्ष। हम चीटी बचाते बचाते यहाँ घूमते हैं, तो देखते हैं पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं। भाई पहले वाई का उत्तर दो, लाखों लोगों की हिंसा किया फिर भी मोक्ष, इतने सारे लोगों को मोक्ष में ले जाने के लिए सहायक बन महावीर फिर भी मोक्ष, पुण्य नहीं बना। अगर पाप पुण्य होता तो संसार में रहना पड़ता, मगर दोनों मोक्ष में गए। एक्सट्रीम पुण्य एक्सट्रीम पाप, और दोनों गए कहां? और हम तो एक्सट्रीम पाप भी नहीं करते पुण्य भी नहीं करते फिर भी यहां घूमते हैं। वाई क्या कुदरत का कानून सबके लिए अलग अलग होगा कि एक होगा? तो फिर ऐसा क्यों है? What is the reason behind? बात यही बार बार स्वीकारनी पड़ेगी। तो नहीं धमाचा कर दिया आपने,
कहीं से भी आओगे फिर आएगा अज्ञान, कहीं से भी आओगे फिर अज्ञान, कहीं से भी आओगे फिर अज्ञान। बात यहाँ आएगी, अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। देयर इज नो एनी अदर सॉल्यूशन एंड चॉइस। मगर अज्ञान को नहीं समझते हैं और इसीलिए कहते हैं कि तुमने गलती किया, कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लो, तुम्हारे से पाप हो गया, कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लो। ये सी क्या है? तुमको दुख होता है, कोई बात नहीं, अच्छा काम करो, किसी को दुख दिया तो प्रायश्चित कर लो। यही बताते रहते हैं, इससे अज्ञान मिटता नहीं। प्रदूषण की आठ दिन बाद सौंसरी के दिन हम सबको बस समाज, उससे सब पाप धुल गया, उससे सब पाप धुल जाते हैं। लोगों की परंपरा की मान्यता यह रही है और उसमें उनको सुख लगता है कि मैंने इनसे समायाचना कर ली आठ दिन के प्रदूषण के बाद सौंसरी के दिन और हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुखी हो गया, हमने साल भर में जो इसके साथ पाप किया वो हमारा छूट गया, ऐसा लगता है। चक्रवर्ती किसको कहते हैं? चक्रवर्ती उसने पूरे जगत को जीत लिया। कैसे जीत लिया? घर में बैठे बैठे के युद्ध करके, युद्ध करके कितनी हिंसा किया होगा, जबरदस्त हमको पाकिस्तान लेने के लिए के दम निकल जाता है। उन्होंने तो छह खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया, बहुत बड़ी बात। कितनी हिंसा किया होगा? अनंत। कितने लोगों को मारा होगा? अनंत। वही अवतार में मोक्ष में गए। तो उन्होंने जो बस वही अर्जुन और कृष्ण वाला भी समाधान मन में रहा तभी गए। वो तो छोटी बात है, इससे भी बड़ी बात। मैं तो छह खंड की बात करता हूँ, ये तो महाभारत का एक युद्ध था, रावण के साथ एक युद्ध था, ये तो छह खंड की बात करता हूँ मैं, बहुत बड़ी बात हो गई थी, फिर भी वही अवतार में मोक्ष। क्योंकि ऑप्शन है नहीं। पर एक सर बात है कि जन्म जन्म हुआ हमारा, उस समय हमारी कोई ऐसी चॉइस भी नहीं थी, तो फिर ये चॉइस क्यों बनी? कौन से चॉइस? इसमें सुख है उसमें सुख है, जन्म के समय तो कोई ऐसा था ही नहीं कि हमें किसमें सुख ढूंढना है, ये क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि जो लेकर आए वो कमजोर लेकर आए। अच्छा, दिस इज नॉट योर डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट लेके नहीं आए और लोक संज्ञा को आपने स्वीकार कर लिया बस, बिकॉज यू You have a not original knowledge with you. आपके पास नहीं है, लोग कहेंगे वही मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? Because you have a no experience, you have a no fact. वास्तविकता आपके पास नहीं है, जिनके पास होता है तो वो उपयोग करता है, अलिप्त रहता है, नहीं है तो नो चॉइस, दुनिया कहेंगी वही करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? वही तो फैसला हो गई ना, शादी नहीं करने की चीज चॉइस थी तो भी शादी कर ली, फिर बस गए आगे। वही तो बात है, फंसने के लिए किसी को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं, हमारी अज्ञानता ही कारणभूत है। मिटाना अज्ञान को है, पत्नी को नहीं। नहीं समझ में आया? आपको जितना रहने का अधिकार है इतना पत्नी को है, सिर्फ मिटाना है अज्ञान को, व्यक्ति को नहीं। साधन को भी नहीं मिटाना है, मिटाना क्या है? अज्ञान से हम बंधे हुए हैं, साधनों से नहीं। साधन तो कुदरत समय समय पे छुड़वाएंगी, शरीर भी छुड़वाएंगी, इट इज अ नेचर ऑफ नेचुरल। उसके लिए हमको प्रयास करने की जरूरत नहीं। सब चीज देते हैं, व्यक्ति देते हैं, साधन देते हैं, संपत्ति देते हैं, संबंध देते हैं, वो भी कुदरत देते हैं, समय समय पे, समय समय पे ले लेते हैं, शरीर भी देते हैं, जीवन भी देते हैं, मृत्यु भी देते हैं, जो कुदरत करती है उसमें हमारा क्या रोल है? तो हमारा एक ही रोल है, अज्ञान मिटाना। क्या रोल है? बस बाकी तो जो कुदरत ने दिया है पैदा होने के बाद वो तो 100% ले लेंगे, सबके पास, सब इंक्लूडिंग योर बॉडी टू। यस और नो?
जो कुदरत देती लेती है उसमें हमारा सब्जेक्ट है? नहीं। यस और नो? तो कहता है मेरे को घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, अज्ञान निकालो ने, वो नहीं निकालना है, घर बार छोड़ देना है, कंटाल गए इसलिए अज्ञान को छोड़ना है? नहीं। मैं कई लोगों को कहता हूं अज्ञान सेंटर पॉइंट है, व्यक्ति नहीं है। क्या बताया? व्यक्ति साधन संपत्ति नहीं है। घर में छह लोग थे, कितने? दो माता पिता, दो पति पत्नी और दो बच्चे, मगर पहले अकेला था, अभी छह लोगों को संभालना है और इनकम ऑफ सोर्सेस कम है, आदमी तंग आ गया। क्या आ गया? हर महीने माइनस, हर महीने माइनस, क्या करेगा? कंटाल गया। छह लोग जो खुद के थे, क्या बताया? दूसरों के नहीं, माता पिता भी उनके थे, पति पत्नी भी उनके थे और बच्चे भी उनके थे, उनसे वो कंटाल गए। हाँ। साधु बन गए। क्या बन गए? साधु बन गए। किससे कंटाल गए? कितने लोगों से? छह लोगों से। और वहां 60 शिष्य बनाए। नहीं समझ में आया? खुद का नहीं संभाल सके, दूसरे का संभालने का ठेका ले लिया, क्योंकि मुक्ति पाना है। नहीं समझ में आया? दिस इज राइट वे, दिस इज राइट पाथ। इससे कंटाल के यहां है, यहां भी संसार बना दिया, खुद का नहीं मानते थे, दूसरा मानेंगे? अज्ञान। क्या है? अज्ञान। ज्ञान। आप समझे? हम जिंदगी के अंदर, आम आदमी की बात करता हूं, जब शादी करते हैं तब एक ही बार हम वरघोड़ा निकालते हैं। वरघोड़ा समझते हैं? आप क्या बोलते हैं उसको? बारात निकालते हैं एक बार लाइफ में, तब आपको हम संसारी कहेंगे, क्योंकि हम त्यागी हैं। मगर हम साल में 12 बार बारात निकालेंगे, फिर भी हम त्यागी हैं। हमें राइट और रॉन्ग? राइट। बारात को मैं कहता हूं वरघोड़ा, आप जो कहना चाहे वो कहें। वरघोड़ा का मतलब होता है ढोल नगारा पीट के जाना, इसको मैं वरघोड़ा बोलता हूं। वो मैं 12 बार निकालू तो भी मैं त्यागी हूं, आप लाइफ में एक बार निकालो तो होगी। दिस राइट डेफिनेशन? बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी मेहनत से पैसा कमा के मकान बनाऊंगा, थोड़ा कम होगा तो मैं लोन लूंगा तो मैं भोगी, और लोगों के पैसे से मंदिर बनाऊ संस्था बनाऊ तो मैं त्यागी हूं। दिस इज राइट वे? नो। ऑफ मोस्ट और हैप्पीनेस? नो नो। अज्ञानता मिटानी पड़ेगी। क्या मिटाना पड़ेगा? अज्ञानता मिटानी पड़ेगी। तुम मंदिर बनाओ या ना बनाओ, शिष्य करो या ना करो, साधु बनो या ना बनो, अज्ञानता को मिटाओ। तुम साधु बनो वो गलती नहीं है, साधु बनने से मुक्ति मिलता है वो बिलीव करते हैं। शिष्य बनाने की कोई तकलीफ नहीं है, शिष्य बनाने से मुक्ति मिलेगी वो। मंदिर बनाओ कोई प्रश्न नहीं, मंदिर से मुक्ति मिलेगी वो। रॉन्ग बिलीफ को मिटाओ। तुम मिटाओगे तो तू कम से कम दूसरे को तो नहीं कहोगे, तुम खुद रॉन्ग बिलीफ पे चलते हो और दूसरे को वही सिखाते हो। क्या यही अज्ञान को मिटाने का मार्ग है? नहीं। कि बढ़ाने का मार्ग है? बढ़ाने का मार्ग है। दुनिया चलती है अज्ञानता और ज्ञानता इंसान के पास में है। यस। ज्ञानता और अज्ञानता इंसान की दिमागी बात है, जानवरों में तो होता नहीं है ये। नहीं होता है। और अज्ञानता मिटाना या नहीं मिटाना वो भी इंसान की बात है। अज्ञान बढ़ाना ना बढ़ाना, बढ़ाना ना बढ़ाना, कम करना या उसको समझना, ये इंसान के हाथ में है। और अज्ञानता मिटती तो मुक्ति मिलती है, आपने फरमाया अभी। तो क्या जानवर के पास में बुद्धि है नहीं कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? तो क्या सब मुक्ति मिलेगी उन सब जानवरों को, या जो अबोल जिनके पास में ज्ञान नहीं है तो क्या सब मुक्त में जाएंगे वो? नहीं,
इंसान के अलावा किसी की मुक्ति नहीं होती है, इंसान के अलावा कोई भी व्यक्ति मोक्ष में नहीं जाता है। वो आगम में भी लिखा है, वेदांत में भी लिखा है, जलाल लोक की नहीं होती है, देवलोक की नहीं होती है, नरक लोक के जीव की नहीं होती है, सिर्फ एंड सिर्फ इंसान की होती है। और इसलिए कहते हैं भगवान के देवो भी मनुष्य का मनुष्य भाव की झंझना करते हैं बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसलिए मेरी बात तो नहीं है, ये सनातन सत्य है और विकराग की वाणी है, मगर हमको समझना है इस बॉडी के बिना किसी की मुक्ति संभव नहीं है। इस मतलब इंसान की बॉडी के बिना, आप समझे, और कोई बॉडी के अंदर तो ज्ञान ही नहीं है, केवल भुगतान है। क्या है? भुगतान है, इसीलिए वह ज्ञान ही नहीं है। तो फिर वो ज्ञान तो है ही नहीं ना उनमें, तो फिर वो भी जीव है प्रति के ऊपर, तो क्या उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती है? इसीलिए क्योंकि ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ भी नहीं है, सिर्फ भुगतान करना है। ज्ञान, अज्ञान और पुरुषार्थ सिर्फ मनुष्य भव में है, और इसीलिए मुक्ति भी सिर्फ मनुष्य भव से है। वहां ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, सिर्फ कर्मों की भुगतान है। वहां कुछ करने का ही नहीं है, भुगतान करना बस। अगर आपके पास डेबिट है, मीडियम डेबिट, पासवता वाला, तो पशु योनि में जाके भुगतान करके देन बैक टू ह्यूमन लाइफ। अगर आपके पास भारी पाप का कर्म है, राक्षसी कर्म, तो नर्क जाके भुगतान करके बैक टू ह्यूमन लाइफ। पाप और पुण्य है मतलब, हाँ। और अगर आपके पास विशिष्ट प्रकार का हाई लेवल का पुण्य है, तो देवलोक में जाओ, भुगतान करके फिर वापिस आओ। मगर कर्म का चार्जिंग यहाँ होता है, इसीलिए ज्ञान अज्ञान भी यहाँ है और मुक्ति भी यहाँ से है। वह चार्ज भी नहीं है, क्या नहीं है? कर्म का चार्जिंग नहीं होता है, सिर्फ डिस्चार्ज, ओनली सफरिंग, नो क्रिएशन। या क्रिएशन भी है, सफरिंग भी है, इसीलिए मोक्ष भी है। ज्ञान तक को कम करने से पुण्य कर्म का उपार्जन होता है, अज्ञान कम करने से भी पाप पुण्य तो बनेंगे ही, क्या बताया, मगर अज्ञान कम करने से पाप पुण्य धीरे धीरे कम हो गए, क्योंकि हर कर्मों की जड़ ही अज्ञान है। क्या है? हर कर्मों की जड़ ही अज्ञान है। और हर व्यक्ति को अगर वास्तव में सनातन सुख प्राप्त करना है, मुक्ति पाना है, सिर्फ अज्ञानता को मिटाना है और कुछ करना नहीं है, आप समझे। चक्रवर्तियों को तो हजारों रानियां हैं, हजारों पुत्र हैं, वही अवतार में मोक्ष, तीर्थंकर, लाखों लोगों की हिंसा, तीर्थंकर, मोक्ष, सेम बर्थ, हिंसा बीच में नहीं आई, हजारों रानियां बीच में नहीं आई, हजारों बच्चे बीच में नहीं आए, अब जो रुपया की संपत्ति बीच में नहीं आई, इतना परिग्रह बीच में नहीं आया, राजपाट, वैभव, युद्ध, कुछ भी बीच में नहीं आया, वही अवतार में केवल ज्ञान और मोक्ष। वाह, सबको त्याग दिया ना उन्होंने, सबको त्याग दिया, सभी चीजों को, सभी जो भी सुख सुविधाएं दिखती थी, अनुभूति होती थी, चाहे क्षणिक है या दूर है, कितनी भी है, सबको त्याग दिया उन्होंने, तब पुण्य का उपार्जन हुआ, सामने आई बात की ये सब क्षणिक है और सांसारिक है, तब मुक्ति को प्राप्त किया उन्होंने। इसीलिए मैंने कहा ना, बस हमारे पास वही तो अज्ञान है, वही तो अज्ञान है कि आखिर हम इस दुनिया में क्या कुदरत ने हमको श्वास देने की स्वतंत्र शक्ति दिया है ताकि मैं कर सकूं या न कर सकूं? नहीं, नहीं। तो फिर मैंने गलत काम किया, फिर छोड़ दिया, किया वो भी उदय कर्म, छोड़ दिया वो भी उदय कर्म, इसमें पुरुषार्थ कहाँ है? जब श्वास लेने न लेना वो भी मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर मनोचन काय को चलाना मेरे हाथ में है? नहीं। क्या सोचने की स्वतंत्र शक्ति मेरे पास है? नहीं। अगर होगी तो मैं नहीं कहूंगा कि गलत विचार क्यों आते, भाई तुम्हारे पास पावर है, स्टॉप कर दो, बोला वो तो पावर नहीं है, बोलने का पावर है, नहीं, सच्चे
फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का पावर है लेकिन उसको कंट्रोल करने का पावर भी आपके। बात वही हो गई, मेरी बात तो ये है, थॉट करते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं, क्रिया भी करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ क्रिया क्यों करते हैं, मेरा कहने का मतलब है ये मन वचन काया तीनों जो एक्ट करते हैं इसमें हमारे पास फ्रीडम है। प्रश्न क्या है, फ्रीडम है कि नहीं, वो प्रश्न है। मन वचन काया तीनों की क्रिया में फ्रीडम है हमारे पास, फ्रीडम है। मन वचन काया की फ्रीडम, मन वचन काया की तो फ्रीडम है ना सर। यानी आप जो सोचना चाहते हैं वो सोच सकते हैं और जो नहीं सोचना चाहते हैं नहीं सोच सकते हैं। ये सोचना ना सोचना तो हमारे हाथ में ही हुआ ना सर, क्योंकि हमें ये पता है सही क्या है गलत क्या है, वहाँ स्टॉप कर करना है वो हमारे हाथ में। मतलब गलत आता है तो सोच तो स्टॉप करते हैं। जब हम कोई चीज सोच रहे हैं, अब हमें पता है कि अगर ये गलत है, हमें पता है कि ये गलत है, तब तो हम उसको स्टॉप कर ही सकते हैं ना सर। शुरू क्यों किया उस समय, सोच नहीं थी। वो कहते हैं मेरे को रात को सो जाना है, 10 बजे थक गई हूँ सो जाओ, फिर सो जाते हैं, विचार चालू रहते हैं। फिर मैं कहता हूँ आप कंट्रोलर है, यस मैं कंट्रोलर हूँ, तुम स्टॉप कर दो, बोला स्टॉप नहीं होता है, कंट्रोलर भी स्टॉप भी नहीं होता है, कॉन्ट्राडिक्ट। हाँ ये बात तो है, दोनों काम साथ होते हैं, देखते भी और विचार भी चलते हैं। मतलब आप कंट्रोलर नहीं, ये बात तो कोई लोग कहते हैं बोलने की शक्ति तो मेरे पास है। हाँ क्या बोलते हैं, बोलने की शक्ति है, कंट्रोल मेरे पास है, ऐसा बोलते हैं। हाँ बोलते बोलते। फिर मैं कहता हूँ कभी आप ऐसे बोलते हैं तो मेरे को नहीं बोलना चाहिए, वो भी निकल गया, और बोलना चाहिए वो भी नहीं निकलता है, ऐसा बोलते हैं नहीं, नहीं बोलते हैं, बोलते हैं रोजाना बोलते हैं। हार के ना नहीं, हार ना दोनों नहीं बोलो, क्या बोलो नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, जो बोलना चाहते वही निकलता है, उसमें रुकावट आ जाती है, कोई अलग शब्द निकल जाता है। जो नहीं बोलना चाहते वो निकल जाता है जी, और बोलना चाहते नहीं निकलता है जी, क्योंकि हम कंट्रोलर नहीं, एक्शन के ऊपर है, हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं नहीं, नहीं कर सकते, और नहीं करना चाहते वो भी नहीं। इट इज ट्रू और नॉट, पर स्वामी ये प्रश्न खड़ा होता है, एक मिनट इसके लाइन पे तो जाओ, आगे जंप मत लगाओ, ये लिंक टूट जाती है, फिर सुनने वाले को लगता है स्वामी ने यहाँ उत्तर दिया, आगे का तो जवाब नहीं दिया, मगर आप लिंक तोड़ दोगे तो क्या करूंगा। उसीलिए मैं आंसर देने के लिए बहुत देर करता हूँ, ताकि मैं जितना आपको सोचने का मौका दूंगा सुनने वाले सोचेंगे, उत्तर दूंगा। देयर इज नो वैल्यू ऑफ द वर्ड्स एंड आंसर, देयर इज अ वैल्यू ऑफ थिंकर, यू आर थिंकर, देन यू थिंक, दिस वी कॉल्ड इट प्रोसेस, रेडीमेड आंसर देयर इज नो वैल्यू। बच्चे को दे दिया 5 करोड़, नो वैल्यू, आप समझे, पर 500 रुपया कैसे आता है, मेहनत करके कार साफ करके 500 कमाओ, तब मालूम होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी। 5 करोड़ दे दिया ना, कोई वैल्यू नहीं है, आप समझे, इट्स रिक्वायर्ड द प्रोसेस एंड देन यू नो द वैल्यू। रेडीमेड आंसर में कोई वैल्यू नहीं है, हमने अपना अच्छे अच्छे शब्द सुन लिए शास्त्रों में से, धर्म गुरु में से, कोई वैल्यू नहीं है। आज हर घर के अंदर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, हाँ जाना, वो सूत्र कैसा है, बैड है कि गुड है, जो घर के अंदर लिखा है, जो ड्राइंग रूम के अंदर लिखा है, सब लोग वहां बैठते हैं और उसी जगह पे आसानी से झूठ बोलते हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेंटेंस, यस और नो, यस, तो ज्ञान तो है, मतलब क्या है आपको शब्द क्या है, विदाउट वैल्यू, क्योंकि प्रोसेस नहीं है, रेडीमेड। हर चीज के अंदर प्रोसेस करके पाते हैं तभी वैल्यू है, विदाउट प्रोसेस देयर इज नो वैल्यू। आज हर चीज हमको क्या कहते हैं, इंस्टेंट, क्या चाहिए, किसी को मेहनत नहीं करना है, क्या नहीं करना है, हर परिवार में देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ, आज हर व्यक्ति को क्या चाहिए, चाप दबाओ काम हो जाना चाहिए, चाप दबाओ काम हो जाना चाहिए, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, गीजर, एसी, आप समझे,
डिश वॉशर सब कुछ चाप दबाओ चालू। आप समझे कि नहीं? पहले जमाने में सब कुछ काम करते थे, हाथ से करते थे, सुबह 4 बजे उठ के रात को 9 बजे तक वो काम करते थे, कभी नींद नहीं आती थी, कभी सर दुखता है, इतना काम करने के बावजूद, और रात को जब सो जाते थे तो 5 मिनट में और सुबह फ्रेश। अभी तो क्या है, सब चाप लगाओ चालू, शरीर का तो उपयोग नहीं किया, और खाना क्या सब बढ़िया चीज है, फिर डाइजेस्ट नहीं होता, फिर वही चीज डिसीज करती है, नहीं समझ में आया। फिर डॉक्टर कहते हैं जाओ आप जिम में जाओ, चलो कहते हैं कि नहीं योगासन करो। मैंने रिसाइकल की परिभाषा बताई, क्या बताई? रिसाइकल की परिभाषा, जब छोटे थे पढ़ाई शुरू किया, फिर नौकरी शुरू किया, पैसा तो था नहीं मगर नौकरी करना था, 2-4 किलोमीटर दूर जाना था, सेकंड हैंड साइकिल ले लिया और नौकरी पर जाने के लिए आता जाता हूँ, घर में काम करता हूँ। आप समझे, साइकिल पे सब कुछ काम करता हूँ, नौकरी भी करता हूँ और घर का काम काज भी साइकिल पे करता हूँ। थोड़ा ज्यादा पैसा आ गया तो मेरे को लगा अभी 2-व्हीलर लाऊ, ऑटो, क्या लाऊ, स्कूटर लेके आया, फिर भी वही काम करता रहा। मगर जब ठंडी आती है, बारिश आती है, धूप आती है, तो लगता है ये 2-व्हीलर बराबर नहीं है। तो पहले 5-10 साल साइकिल चलाई, फिर 5-10 साल 2-व्हीलर चलाया, फिर बोला नहीं गाड़ी चाहिए हमको, फिर हमने कार लिया 4-व्हीलर, वो भी चलाई, फिर कहा ये गाड़ी बराबर नहीं, हमको तो भी ऑटो चाहिए, क्या चाहिए, ऑटो गाड़ी लेके आए, वो भी चलाई। आप समझे ना, मगर जैसे जैसे पहले चल के जाता था, जो खाना खाता था डाइजेस्ट हो जाता था, साइकिल पे जाता था तब भी 90% डाइजेस्ट हो जाता, जब स्कूटर पे जाता था तब डाइजेस्टिंग 50% हो गया, और जब कार शुरू किया तब तो डाइजेस्टिंग 20% डाइजेस्ट हो गया, 20% ही डाइजेस्ट होता था, 80% होता नहीं था। धीरे धीरे शरीर बड़ा हो गया, पेट बड़ा हो गया, हाथ पांव बड़ा दिखता है मगर काम करता नहीं, तो ताकत नहीं है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करूं, ना हाथ हिला सकता हूं, ना पांव हिला सकता हूं, ना शरीर हिला सकता हूं, क्योंकि भारी हो गया है। डॉक्टर कहते साइकिल चलाओ, इसका नाम है रिसाइकल। नहीं समझ में आता, साइकिल से शुरू किया था फिर कब आओ, तभी आपका उद्धार है। ऐसा है तो मैं दुनिया में ये क्या बताना चाहता हूँ कि लोग कहते, अभी मैं उत्तर दू सुख की बात जो कहा था ना बिगिनिंग, अभी एक एक करके मैं उत्तर देता हूँ धीरे धीरे शांति से। हम कहते हमको सुख चाहिए, अभी सोचो इनका स्वभाव सुख की अनुभूति करना है और कौन करे? नहीं, मैं प्रश्न करता हूँ फिर धीरे धीरे उत्तर दूंगा, फिर आप कहोगे आपकी बात बराबर है, वो धीरे धीरे कहोगे कोई बात नहीं। आंख का, कान का, नाक का, जीभ का, स्पर्श का स्वभाव सुख की अनुभूति करना है, सोचो नहीं सुख की अनुभूति करना है नहीं, नहीं। सोचो नहीं करना तो नहीं, और इसी से हम सुख सुख और दुख की अनुभूति करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। अभी सोचो क्या ये सब इंद्रियाज और ये फिजिकल बॉडी से सुख की अनुभूति हो सकती है? नहीं। अगर हो सकती है तो मुर्दा भी कर सकना चाहिए, उनके ऑर्गन भी है बॉडी भी है, यस और नो? मैंने प्रश्न किया बॉडी और ऑर्गन का है कि नहीं, बस उसका आंसर दो, नो मोर आंसर, अभी आगे मत जाओ। मैंने जो कहा उसके ऊपर उत्तर दो। मैंने कहा बॉडी है मुर्दा में, है ऑर्गन है, इंद्रिया है,
और उसमें सुख है कि नहीं, मैंने नहीं कहा, इसका प्रूफ दिया, अभी उसके बारे में कहो, आगे मत जाओ, अभी मैंने आगे का प्रश्न किया नहीं है, जहां तक गया हूं वहां बात सोचो, तो है उसमें सुख, तो पहले स्वीकार करो, शरीर या इंद्रियों का स्वभाव सुख की भुगतान करना, दुख की भुगतान करना नहीं है, पहले स्वीकार करो एक बात, फिर आगे जाओ, जंप पर नहीं लगाओ। जो हम मानते थे कि सुख की भुगतान किससे होती है, सुख की भुगतान शरीर से होती है, साधनों से होती है, संपत्ति से होती है, संबंधों से होती है, वो हम मानते हैं, मगर मानते हैं तो क्या वो सही है, प्रैक्टिकल है, कि मात्र रॉन्ग बिलीफ है? रॉन्ग बिलीफ है। आप समझे? तो प्रश्न ये है, तो फिर सुख और दुख की अनुभूति कौन करता है और कैसे होती है? अगर ये नहीं करता है मगर होती तो है, तो प्रश्न ये होना चाहिए, तो फिर करता कौन है? अगर ये नहीं करता है तो कौन करता है? वो तो आपको सब मालूम है, रेडी मेड आंसर। जो नए व्यक्ति है उसको सोचने का तो मौका दो, आंसर ही दे दे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ थिंकिंग देम। मैं इसीलिए सबके माइंड को एक्टिव करता हूँ कि सोचे, अभी तक जो सोचा था कि इससे सुख होता है, इससे सुख होता है, इससे सुख होता है, आंखों से देखने सुख मिलता है, कान से सुनने से सुख मिलता है, नाक से सुख मिलता है, जीभ से मिलता है, स्पर्श से मिलता है, साधनों से मिलता है, अभी मालूम हुआ कि उससे सुख नहीं मिलता है, क्योंकि अगर मुर्दों को यही चीज बताया जाए तो सुख नहीं होता है, इंद्रिया भी है, बॉडी भी है, तो फिर कौन सा ऑप्शन है? सोचने तो दो। आपने तो बहुत बार सुना है, नाउ वी हैव अ रेडीमेड आंसर। सोचने के लिए हम सब इतने साल से जिस संसार में जी रहे हैं, सब लोग मानते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी कमाई करते हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन है इन अवर सोसाइटी, तो इसके पास कॉमन सेंस है कि नहीं वो तो देखो, फिर मालूम होता है कि हमारी जो सोच है वो सही नहीं है, वेरी लिमिटेड सोच है। तो इसीलिए इस शरीर का, इंद्रियों का स्वभाव सुख दुख के भुगतान करना नहीं है, ये सुख दुख के भुगतान मात्र बिलीफ है। क्या है? मात्र बिलीफ, मात्र बिलीफ। मैंने पहले भी कहा था, गरीब को 5 रुपया दूंगे आनंद होगा, BMW को 5 रुपया दूंगे इंसल्ट होगा, बिकॉज ऑफ मनी, वही देने वाला वही, लेने वाला अलग अलग, सफरिंग एक को सुख एक को, बिकॉज ऑफ बिलीफ। अगर 5 रुपया दुख देता है तो उनको भी लगना चाहिए ना, और सुख देता है तो उनको भी लगना चाहिए, मगर बिलीफ। आप समझे? तो कहने का मतलब ये है, अगर बिलीफ से भी सुख दुख लगता है, क्या बताया? बिलीफ से सुख दुख लगता है, लगता है, अगर आत्मा नहीं है तो आत्मा नहीं है तो बिलीफ होती है, फिर सुख दुख लगेगा? हर बात का सेंटर पॉइंट क्या आ गया? आत्मा। लास्ट में क्या आ गया? आत्मा। इसके आगे कुछ है नहीं। आत्मा है तो सब कुछ, वो चेतन है, वो खुद ही ज्ञान वाला है, मगर शाश्वत ज्ञान वाला है, मगर उसके साथ अज्ञान है, तब ये संसार के सुख दुख की अनुभूति होती है। समझ में आया? अज्ञान है तब सुख दुख की अनुभूति, मगर आत्मा नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है, बिलीफ भी नहीं है, तो सुख दुख भी नहीं। वास्तव में सुख, शाश्वत सुख, वो आत्मा का स्वभाव है। क्या है?
मगर हमारी बिलीफ कहाँ है सुख ढूंढने की? बाहर है, जहाँ है नहीं। और इसीलिए कहीं अवतारों से प्रयास करने के बाद भी मिलता नहीं, क्योंकि है नहीं। और जहाँ है वह प्रयास भी नहीं है, क्योंकि दृष्टि भी नहीं है। आत्मा नहीं है तो सुख दुख है नहीं। आत्मा है फिर अज्ञान है फिर सुख और दुख है। रॉन्ग बिलीफ से आत्मा है अज्ञान नहीं है, शरीर है संयोग है तो भी सुख दुख नहीं है। हा या ना बोलो ना। महावीर को कान में खिला लगा ठीक है, शरीर को तो दुख हुआ, शरीर का स्वभाव है, मगर वो दुख इनको नहीं लगा क्योंकि अज्ञान नहीं था। कौन सा अज्ञान नहीं था? नहीं बताओ कौन सा अज्ञान नहीं था? मैं शरीर हूं वो अज्ञान। तो शरीर को दुख है वो दुख मेरा होगा क्योंकि मैं शरीर नहीं। तो शरीर का दुख मेरा दुख होगा नहीं। निकालना क्या है अज्ञान कि शरीर को बदलना है नहीं। संजो को बदलना है नहीं। व्याख्या को बदलना है नहीं। किसको निकालना है अज्ञान। आत्मा का तो स्वभाव सुख वाला है मगर अज्ञान का कि बस हम सुख कहां ढूंढ रहे और है कहां अंदर। अभी अंदर है ढूंढ रहे बाहर कब मिलेगा। एक चाचा थे बुजुर्ग चाचा, वो छोटी छोटी गलियों वाले ओल्ड सिटी में रहते थे। ओल्ड सिटी होती है छोटी छोटी गलियों वाली। तो शाम को वो खाना खा के घर से बाहर निकल गए घूमने के लिए। वो लहंगा जब्बा पहन के या तो धोती जब्बा पहन के थोड़ा चिल्लर ले लिया जब्बे में डाल दिया। घर से बाहर निकलता है मगर स्ट्रीट के अंदर तो अंधेरा है और स्ट्रीट के एंड के ऊपर स्ट्रीट लाइट है। गली के अंदर लाइट नहीं मगर स्ट्रीट के एंड के ऊपर स्ट्रीट लाइट है। तो चाचा घर से निकला पैसा चिल्लर रखा, जैसे घर से आगे निकला तो जो कुर्ता था वो फटा हुआ था जब्बा फटा हुआ था। पैसा धीरे धीरे गिरते गए मगर अंधेरा में दिखता चाचा स्ट्रीट के एंड के ऊपर गया जहां स्ट्रीट लाइट थी। वो पैसा वहां ढूंढते हैं क्या करते हैं मगर मिलता नहीं। एक बच्चा आया 10-12 साल का कि अंकल आप क्या करते हो? तो बोला मैं पैसा ढूंढता हूं। तो बच्चा पूछता है कि अंकल पैसा कहाँ गिर गया? तो बोला वो स्ट्रीट में गिर गया। तो बच्चा पूछता है आप यहाँ क्यों ढूंढते हैं? तो बोला अंधेरा में नहीं मिलता है तो उजाला में ढूंढता हूं। नहीं समझ में आया? अंधेरे में नहीं मिलता है तो मिलेगा नहीं बोलो नहीं। हम क्या करते हैं जहां सुख है नहीं वहां ढूंढते हैं और जहां सुख है वहां तो प्रयास ही नहीं करते हैं। बिल्कुल राइट। बर्थ टू बर्थ वी आर फेल टू सक्सेस टू अचीव अवर गोल। हमारे गोल को प्राप्त करने में कई अवतारों से हम असफल हैं क्योंकि हमारे पास सच्चा ज्ञान नहीं है। और जो ज्ञान है वो तो भ्रांति वाला है। क्या है? भ्रांति वाला। जो भटक रहे लोग जो भ्रांति ज्ञान से वही ज्ञान हमारे पास है तो हम भी और कोई रास्ता नहीं है। कई अवतारों से ऐसा है मगर कहीं लोगों को मन में प्रश्न आता है कि शायद आत्मा जैसी कोई चीज है या नहीं है कि ये भ्रांति बनाई है लोगों ने, ये धर्मगुरुओं ने भ्रांति बनाई है कि है या नहीं है। ऐसे भी मन में विचार आते हैं। आते
भौतिकवादी ज्यादा होते हैं तो इसको ये बात एक्सेप्ट नहीं होती है। थोड़ा विचारक होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो मालूम होता है कि अगर आत्मा नहीं है तो रिबर्थ हो सकता है। थिंक अबाउट, आत्मा नहीं है तो रिबर्थ हो सकता है? शरीर का रिबर्थ होता है? शरीर का पुनर्जन्म होता है? नहीं। तो पुनर्जन्म शब्द क्यों आया? आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म शब्द हो सकता है? आत्मा नहीं है तो कर्म का सिद्धांत होता है, जो मैं कर्म करूंगा वो अगले अवतार में भुगतान करना पड़ेगा, मगर आत्मा नहीं है तो अगला अवतार किसका? मगर आत्मा है, आत्मा का अनुभव नहीं है, मगर आत्मा तो है, तभी तो पुनर्जन्म है, तभी तो कर्म का सिद्धांत है कि जो कर्म करेंगे इसका फल मिलेगा। अगर आत्मा ही नहीं है तो पैदा होते ही माता पिता मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, घर मिलता है, धर्म मिलता है, वो डिसाइडेड कौन करता है? कुदरती। क्यों करते हैं? कर्म। कब किया था? पिछले आई बात राइट। मैं आपको टैली करवाना चाहता हूँ, आपके मुंह से आपको बोलना पड़ता है कर्म पिछले अवतार के, बोलना पड़ता है अवतार के है तभी तो मतलब प्रूव हो गया है ना कि पिछला अवतार है, कर्म का सिद्धांत है, आत्मा है। पहले कहूंगा कि भी आत्मा है, भाई आप तो बोलते हैं किसने जाना, अभी आपने ही बोला आत्मा है, आपने ही बोला पुनर्जन्म है, आपने ही बोला कर्म का सिद्धांत है, तो प्रूव हो गया, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मगर साधु भगवान कहते हैं कि भी आत्मा है जी, कर्म का सिद्धांत है जी, पुनर्जन्म है जी। वे घर जाके पूछेंगे आपने क्या सुना? बोला आत्मा कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म। आपको मालूम है? वो मालूम नहीं है, उन्होंने कहा मैंने जी जी बोला बस, मगर मैंने आपको कहा अभी जी जी नहीं कहोगे क्योंकि प्रूव कर दिया मैंने, आपके मुंह से बुलवाया क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके अलावा, तो इसीलिए आपने थियोरेटिकल प्रूव कर दिया कि आत्मा है ही, पुनर्जन्म है ही और कर्म का सिद्धांत भी है। तो अभी आपके पास ये दृष्टि मिली, सिर्फ शब्द का नॉलेज नहीं। ऐसे हर बात के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो सच्चाई मालूम होता है, रेडीमेड आंसर से सच्चाई मालूम नहीं होती। और आज तक हमने यही किया है, या तो किताबों का ज्ञान पढ़ा है या तो किताबों का ज्ञान सुना है, प्रैक्टिकल ज्ञान सुना नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, और इसीलिए जीव आगे बढ़ता नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान ही नहीं है और सोचते भी नहीं है। हिंदुस्तान में इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे धर्म गुरु हैं, मगर कोई व्यक्ति कर्म और कर्म फल इसकी परिभाषा नहीं बता सकते। थिंक अबाउट डेफिनेशन, कर्म और कर्म फल वो नहीं बता सकते हैं। क्या वो अनुभवी हो सकते हैं? नहीं। जब कर्म और कर्म फल की डेफिनेशन ही मालूम नहीं है, थियरी मालूम है 300 पन्ने की मगर डेफिनेशन 300 पन्ने की किताब आपको बोल देंगे मगर कहे दो सेंटेंस की डेफिनेशन दे दो, दे हैव नॉट। व्याख्या मालूम नहीं है, थियरी मालूम है, किताब का ज्ञान किसका ज्ञान? आपको लगता है ऐसे कर्म और कर्म फल की डेफिनेशन बोलता हूं जब तो पुनर्जन्म होता है, कर्म का भुगतान होता है, कर्म मैं क्या कहता हूं, कर्म किसको कहते हैं इसकी डेफिनेशन, कर्म फल किसको कहते हैं इसकी डेफिनेशन मेरे को बताओ आप जो जानते हो। सिर्फ डेफिनेशन, जैसे H2O से पानी होता है वो डेफिनेशन होते हैं, ऐसे कर्म इसको कहते हैं और कर्म पर इसको कहते हैं, सिर्फ 1-2 मैक्सिमम 3 सेंटेंस की डेफिनेशन।
और दोनों शब्द हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल है, आउट ऑफ कोर्स की बात नहीं है। आपने किताब पढ़ाया कि नहीं वो सब्जेक्ट नहीं, दिस इज टोटली प्रैक्टिकल। तो इसके बाद तो डेफिनेशन के फॉर्म में हमको मालूम होना चाहिए, मगर वो है नहीं। अभी जब जब हमको कर्म और कर्म फल की व्याख्या मालूम नहीं है, हम कहते हैं कि हम अध्यात्म के अंदर मुक्ति के मार्ग में आगे जाना चाहते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल? बीज ही मालूम नहीं है। कर्म किसको कहते हैं, कर्म फल किसको कहते हैं, वो नहीं मालूम। जो अज्ञान है उसको हमने सत्य माना, ट्रुथ, नेचर, कुदरत के नेचर के अलग होके कि ये ही सत्य है। जो अज्ञान है वो कर्म उससे बनते हैं, ये कर्म फल है। ऐसी गोल गोल बातें नहीं, डेफिनेशन H2O से पानी, वो डेफिनेशन है। सिंपल बात बताओ जो कभी इरेज नहीं करनी पड़े, लंबी लंबी नहीं, सिंपल बात है। कर्म फल किसको कहेंगे? जन्म से मौत तक मन वचन काया से जीव जो कुछ भी करता है वो 100% कर्म फल है, इसमें कर्म का अंश नहीं है। इट इज टू बी कॉल्ड ए डेफिनेशन, नो गोल गोल। इसका अर्थ तो यही हुआ, चार दिन जो कर्म करके आए पूरे जन्म में और इस जन्म में भूख रहे हैं वही है बस। वो कर्म फल की मैंने परिभाषा बताई, कर्म की परिभाषा अभी बाकी है। क्रिया करते समय, कोई भी काम करते समय जो भाव आता है उससे जो कर्म बनता है उसका कर्म फल हमको इस अवतार में मिलता है। तो कर्म तो क्रिया के भाव से ही आए हुए हैं, उसी से पैदा हुए हैं। और बिना भाव कर्म नहीं कर, और बिना क्रिया कर्म भाव नहीं कर सकते हैं। भाव कर सकते हैं बस, मतलब कर्म से क्रिया से भाव होता है, वो डेफिनेशन नहीं हुई। बिना क्रिया भी भाव होता है, मतलब क्रिया से ही भाव होता है, तो वो डेफिनेशन नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं मन वचन काया से कोई भी क्रिया करो या ना करो, मगर भाव से कर्म बनते हैं। जैसा भाव वैसा, फिर रात को सोते सोते भाव करोगे तो भी कर्म बनेंगे, दिन में जीते जीते काम करोगे तो भी कर्म बनेंगे। चोरी करते हैं फिर भी चोरी न करने का भाव कर सकते हैं, चोरी नहीं करते हैं चोरी करने का भाव कर सकते हैं, और चोरी करके चोरी करने का भाव भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मतलब क्रिया के आधार से भाव करेंगे वो करेक्ट नहीं। भाव से कर्म बनता है। आंखों बंद करके हाथ पांव हिला के भी हम देव लोक के, नरक लोक के, पशु लोक के और मनुष्य लोक के भाव कर सकते हैं, कर सकते। इसमें बाहर कोई क्रिया की जरूरत नहीं। तो भाव से कर्म होते हैं और मन वचन काया से कर्मों की फल भुगतान करते हैं। तो लाइन अब क्या हो गई, इसमें 300 पन्ने की जरूरत है? बोलते नहीं है, नहीं। और 300 पन्नों पढ़ेंगे तो डेफिनेशन नहीं मिलेगी, मगर 3000 पन्ने पढ़ोगे तो भी नहीं मिलेगी। थियरी क्या है? अभी मैंने जो कहा वो 5-10 साधु संतों को प्रश्न करके पूछ लेना और रिकॉर्डिंग मेरे पास लेके आना ऑडियो, कि उसको ये डेफिनेशन देने में कितना गोल गोल आपको घुमाया, आप समझे? सिर्फ दो सिंपल प्रश्न, कर्म और कर्म फल की परिभाषा बताओ, इनटू इन्वर्टेड कॉमा डेफिनेशन व्याख्या, फिर इसका रिकॉर्डिंग करो जो उत्तर देता है, फिर मेरे पास लेके आओ, फिर आपको मालूम हो जाएगा आपको कितना घुमाया। और घुमाने के बाद भी आपको तो मालूम नहीं हुआ कि डेफिनेशन कहाँ आई, समझ में आया? क्योंकि उनके पास थियरी है, डेफिनेशन आप समझे। तो इसीलिए सिद्धांत की बात जब मालूम नहीं होता है तो आदमी घूमता रहता है, और नॉलेज और इंफॉर्मेशन से आदमी का दिमाग भरा हुआ है, विदाउट प्रैक्टिकल, विदाउट प्रैक्टिकल।
जिसके अंदर डीप जाना चाहिए वहां डीप जाता ही नहीं है, और जिसके अंदर सुपरफ्लूस रहना चाहिए वहां डीप जाता है। और इसीलिए नया संसार, मैंने अगले प्रवचन में कहा था कि ये शरीर के अंदर सिर्फ आत्मा ही अविनाशी और चेतन है। क्या बताया था? अविनाशी और चेतन, बाकी सब जड़ है और विनाशी है। तो चेतन की कीमत 1 मतलब 0 नहीं होगी, और विनाशी की कीमत 0 क्योंकि 1 नहीं होगी। आज है और कल, तो इसकी कीमत क्या है? 0। और आत्मा कैसा है? 1 परमानेंट। तो इसीलिए तो आत्मा की कीमत 1 गिनोगे तो शरीर की कीमत 0, संबंधों की कीमत 0, साधनों की कीमत 0, संपत्ति की कीमत 0, डिग्री की कीमत 0, कोई भी रिलेटिव सत्य की कीमत 0। मगर आगे 1 के बाद 0 है तो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ होता है ना। सभी मिंडा की कीमत है क्योंकि 1 है। मगर जब 1 निकल गया तो 0 साथ में क्या आएगा? नहीं, 0 में से क्या साथ में आएगा? 0 ही आएगा। पूरी लाइफ जीते हैं किसके लिए? 0 के लिए। और साथ में क्या ले जाते हैं? 0। ये प्रोग्रेस है ना? नहीं है। प्रोग्रेस नहीं है? 0 के लिए ये ना, और 0 साथ में ले जाना, ये प्रोग्रेस नहीं है। और आत्मा जो आता है तो वैल्यू नहीं करते, जो हीरो है इसकी वैल्यू नहीं करते, वो वैल्यू करते वो 0 है। बराबर है कि नहीं? बात तो समझनी पड़ेगी कि नहीं? कि गोल गोल चलेगा? नहीं चलेगा। ये बातें किताबों की करता हूं मैं, नहीं तो शास्त्रों की भी बातें नहीं है, ये अनुभव की बातें। एक न एक दिन हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। ये मेरा फैक्ट नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल। और फिर सच्चाई है। इसमें धर्म, संप्रदाय, गुरु, भगवान, क्रियाकांड बीच में नहीं, मंदिर, मंत्र, शास्त्र बीच में नहीं मिल जाता है। सनातन सत्य है। क्या है? सनातन सत्य। अब मानो तो भी रहेगा, नहीं मानो तो भी रहेगा। तो कोई बात की परिभाषा हमारे पास है ही नहीं, और हम कहते हम 50 साल से धर्म कर रहे हैं, डेफिनेशन ही नहीं है। अभी किसी को प्रश्न करते हैं आप भगवान किसको कहते हैं, तो जैन है तो कहेंगे हम तो महावीर को भगवान कहते हैं, वैष्णव हो तो कहेंगे हम तो कृष्ण को भगवान कहते हैं, ब्राह्मण है तो कहते हम शिव को भगवान कहते हैं, स्वामीनारायण होता है तो हम स्वामीनारायण को भगवान कहते हैं, क्राइस्ट को कहेंगे, क्रिश्चियन को कहेंगे तो हम क्राइस्ट को भगवान कहते हैं, यही कहेंगे ना। तो क्या ये भगवान की डेफिनेशन है? डेफिनेशन तो नहीं है, परंपरा है, नाम है। फिर भी दुनिया चलती है, चलती है। आप कोई धर्मगुरु को पूछोगे, जैसे जैन साधु को पूछेंगे कि भगवान किसको कहते हैं, तो क्या कहते हैं? आजकल तो कहने लगे, पहले तो यही कहते कि ये भगवान मान स्वामी है। अभी क्या कहते हैं? अब तो फिर भी आत्मा के बारे में कहने बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। अच्छा हुआ, चलो इतना तो इम्प्रूवमेंट हुआ। हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ। वो तो शिवानी जी को देखो, डॉक्टर शिवानी को देखो, भगवान वही कहे 24 तीर्थंकर वो भगवान थे। नहीं समझ में आता है, और इसीलिए मैंने कहा दुनिया अज्ञानता से, और जिसको सही ज्ञान हो जाता है इसको दुनिया में रहने का अधिकार नहीं। क्यों रहेगा? इसको क्या पाना है? क्योंकि सनातन से कोई चीज है नहीं, सुख दुनिया में नहीं है, फिर क्यों जिएगा वो? इसको मालूम है कि सुख आत्मा में, और आत्मा में खुद हूं। शरीर में सुख नहीं है, इंद्रियों में सुख नहीं है, साधनों में सुख नहीं है, संपत्ति सत्ता में सुख नहीं है। सुख तो मेरे में है, पर मैं आत्मा हूं, तो फिर बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा? अंदर ही है। आत्मा सो परमात्मा।
तो फिर वो जन्म मरण का चक्कर काटेगा? नहीं काटेगा। किसके लिए काटेगा? क्या चाहिए उसको? कल सर आपने बताया था कि मन वचन काया से, मन वचन काया जिसका एक होता है उसी का जन्म महाविदेश क्षेत्र में होता है। मन वचन काया की एकता, मन वचन काया की एकता होने से तो इस काल में ये संभव है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जन्म महाविदेश क्षेत्र में नहीं होगा। भाव कर सकते, भाव मन वचन काया एकता वाला इस काल में इस क्षेत्र में नहीं होता है। बस एक क्षेत्र में आप मन वचन काया की एकता वाला भाव कर सकते हैं और भाव से भव मिलता है वहाँ, मगर क्रिया के रूप में तो ऐसा यहाँ नहीं होता। ये कलयुग है, जो सोचता है वो बोलता है नहीं और बोलता है वो करता नहीं। ये कलयुग मन वचन काया की एकता के भाव हो गए तो आपका भाव वहां होगा। प्रार्थना, टाइम भी वैसे हो गया। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को, सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, जाहिर करता हूँ। उनके लिए, उनके लिए हृदय से, हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ, क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेद भाव निकल जाए, हम में से भेद भाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम, आप और हम अभेद भाव से, अभेद भाव से तन्मयाकार रहे, तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।